नमः संस्कृताय। आज हम दूसरी धातु के माध्यम से वाक्य बनाना सीखेंगे, जिससे हमारा और अभ्यास होगा। तो आइए जानते हैं। धातु है, हम लट लकार में देख रहे हैं, लट लट लकार है। लट लकार मीन्स वर्तमान काल, वर्तमान का। कौन सी धातु? नृत धातु देखेंगे। नृत जिसका मतलब होता है नाचना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर देखते हैं पुरुष। पुरुष में प्रथम, प्रथम पुरुष में लिखेंगे हम नृत्यति, नृत्यति। फिर नृत्यतः, नृत्यन्ति। मध्यम पुरुष नृत्यसि, नृत्यथ, नृत्यथ। उत्तम पुरुष नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामय। ये हमारी धातु हुई, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। नृत्यति नृत्यतः, नृत्यन्ति। नृत्यसि नृत्यथ, नृत्यथ। नृत्यामि नृत्यावह, नृत्यामय। हम पुरुष के विषय में बात कर चुके थे कि उत्तम पुरुष के तीन शब्द होते हैं, अहम आवाम वयम। मध्यम पुरुष के भी तीन शब्द होते हैं, त्वम युवाम यूयम। अब हमें अभ्यास करना है। क्या मैं यहाँ पर प्रश्न लिख रहा हूं? क्या प्रश्न लिख रहा हूं कि कर्तरी पदेन, कर्तरी पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। कर्तृपदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये प्रश्न है, ठीक है। कर्तृपदेन का मतलब होता है कर्ता के द्वारा रिक्त स्थान, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थान पूर्यत भरी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो देखिए, नंबर वन लिखता हूं यहां पर, क्या कि वर्ब लिख रहा हूं यहां पर, मैंने लिख दिया जैसे वर्ब नृत्यति, ठीक है। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है ये जानना है, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट है नृत्यतः, नृत्यतः ऑर्डर में लिख रहा हूं एकदम। और इसके बाद है नंबर थ्री नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। नंबर फोर है नृत्यसि, नंबर फाइव नृत्यथ, नंबर सिक्स नृत्यथ और नंबर सेवन नृत्यामि, नंबर एट नृत्यावह और नंबर नाइन नृत्यामय।
नंबर 9 नृत्याम है, ये हमारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखने हैं। क्या देख करके, क्रिया देख करके हमें कर्ता लिखनी, कैसे? नृत्यति प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन का ही हमें कर्ता लिखना है। नृत्यत है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन का ही हमें कर्ता लिखना है। नृत्यन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखना है। और नृत्यसि मध्यम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष एकवचन की का कर्ता लिखना है। नृत्यत है, कहाँ है नृत्यत है, ये रहा मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिखना है। नृत्यत मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखना है। नृत्यामी, ये देखिए था नृत्यामी, ये रहा नृत्यामी उत्तम पुरुष एकवचन, तो हमें उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता लिखना है। नृत्यावह क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखनी होगी। नृत्यामह उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखना। यहां पर नृत्यसी मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया, मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता लिखना होगा। नृत्यंती देखो इधर प्रथम पुरुष बहुवचन यहां लिखेंगे कर्ता। नृत्यत है, ये रहा प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता लिखेंगे। और नृत्यति, ये रहा प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता लिखेंगे। तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि यहां पर कौन सा कर्ता आएगा। कल हम इन्हीं प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।